हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावरी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्टेट कोटा में आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितने मार्क्स पे अब आपको आने वाले टाइम में स्टेट में सीटें मिल सकते हैं, कैटेगरी वाइज क्या स्कोर होता है हो सकता है और कितना डिफर कर सकता है ऑल इंडिया कोटा में आपके स्टेट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग राउंड वन राउंड टू की कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली राउंड वन राउंड टू की काउंसलिंग केवल गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए थी। इसके अलावा डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग मॉपअप राउंड भी बाकी है, उसका मॉपअप राउंड होगा। दोस्तों, ये जो 15% गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सीटें या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीटें हैं वो रिवर्ट हो जाएंगी स्टेट में। मीन्स जिस स्टेट की सीटें होंगी वहाँ पे वो रिवर्ट हो जाएंगी, वहाँ पे ऐड हो जाएंगी जितनी भी सीटें यहाँ से राउंड टू के बाद वैकेंट होती हैं। अब अपने से बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि कब होगी आयुष की काउंसलिंग। मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टेट का MBBS की काउंसलिंग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, अब बची है केवल आपका डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का मॉपअप और वैकेंसी राउंड। इसी के साथ आने वाले एक हफ्ते या एक हफ्ते के बाद आपका आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है आपकी स्टेट की, और नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा। दोस्तों, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में इतना गया है तो फिर स्टेट कोटा में क्या हो सकता है। जो भी ऑल इंडिया कोटा में एक्सपेक्टेड कट ऑफ गया है, ये मान के चलिए कि उससे ऑन एन अराउंड 30-40 या 50 मार्क्स तक का डिफरेंस हो सकता है स्टेट कोटा में। डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। मींस बहुत ही आसानी से सीटें 400-450 पे मिल सकती हैं आयुर्वेदा की, होम्योपैथिक की। कई स्टेट है जहां पे 350 पे भी सीटें मिल सकती हैं स्टेट में। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ SC ST कैटेगरी की, तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 से लेके 300 के बीच में सीटें आसानी से मिल सकती हैं स्टेट में, डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ST कैंडिडेट्स को 150 से लेके 190 ऑलमोस्ट 200 तक की सीटें मिल सकती हैं, डिपेंड करता है। ये सारी बातें स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या मेरिट गई है। जैसे UP का हो गया, राजस्थान का हो गया, इनका कट ऑफ कंपेयर टू अदर स्टेट ज़्यादा जाता है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम में स्कोर अगर एक्सपेक्टेड है आपका, मींस अभी भी आपने 450, 460 या 470 के करीब स्कोर किया है, तो आने वाले टाइम में आपको BMS आसानी से मिल सकता है आपके स्टेट में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, और जहाँ तक प्राइवेट कॉलेजेस की बात है, उनका एक्सपेक्टेड स्कोर पासिंग मार्क्स के नियर बाई जाएगा, चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो या कोई भी स्ट्रीम हो, सबका कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि अगर आपने प्लान किया है कि आपका आयुर्वेदा करना है या फिर होम्योपैथिक आयुष कोर्सेज करने हैं, तो आप अपने स्टेट में अभी वेट कर सकते हैं, आसानी से आपको सीटें मिलेंगी। क्योंकि राउंड टू की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से भी बहुत सारी सीटें वैकेंट होकर स्टेट में आई हैं, तो बिल्कुल आपको सीटें आसानी से मिलेंगी। आपके स्टेट का जो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में रहा उससे कंपेयर टू स्टेट का जो कट ऑफ होगा वो बहुत ही कम होगा। मीन्स आसानी से आपको 30-40 या 50 मार्क्स का डिफरेंस तक हो सकता है, डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट। तो आसानी से आप सीटें ले सकते हैं, बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग एनी फर्दर काउंसलिंग तो उसके बारे में अपडेट करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मावरी गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।